मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान INDIE गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। दोनों ही पार्टियों ने राज्य में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। उम्मीदवारों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच खूब बयानबाजी भी हो रही है। अब NCP प्रमुख शरद पवार का INDIE गठबंधन को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने को लेकर सभी पार्टियों में आपसी सहमति है, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल पर मतभेद बने हुए हैं। इन मतभेदों पर चर्चा करेंगे और समाधान का रास्ता निकालेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कई राज्यों में लोग बदलाव लाने की सोच रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच तकरार के बाद तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच मतभेद उभरा है। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही है और लेफ्ट उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेता अधीर चौधरी भी ममता बनर्जी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। विधानसभा में साथ लड़ने पर मतभेद। शरद पवार ने चौहान सेंटर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये प्रतिक्रिया इसी दौरान व्यक्त की। शरद पवार ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव साथ लड़ने को लेकर हमारे बीच मतभेद है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का दबदबा है, इसलिए वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। कई जगहों पर यह स्थिति है, लेकिन शरद पवार ने कहा कि हम इस पर चर्चा करेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में अशांति का माहौल है, कई राज्यों में लोग बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। देश की तस्वीर देखें तो मोदी या उनकी पार्टी सिर्फ कुछ जगहों पर ही सत्ता में है, कई राज्यों में उनके पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए विधानसभा चुनाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। शरद पवार ने कहा कि वो लोकसभा के बारे में जानकारी लिए बिना कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि वो रविवार को दिल्ली जा रहे हैं, परसों भारत अघाड़ी में हमसे कुछ लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने जा रहे हैं। लोग हमें इंडिया गठबंधन के रूप में एक साथ आने और एक विकल्प देने के लिए कह रहे हैं, इसलिए हमारे पास करने के लिए और भी काम है। शरद पवार ने कहा कि इस बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रकाश अंबेडकर पर चर्चा नहीं हुई है, सहकर्मियों से चर्चा हुई है, लेकिन ये उनकी निजी राय है। शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमें वंचितों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।